व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी और मेरे साथ दो भाई और जाएंगे और मैं वहां जाकर उन दोनों को चैलेंजेस दूंगा और मतलब शर्त वर्त लगाएंगे और जो हारेगा उससे पार्टी वार्टी लेंगे। सो उन दोनों भाई को मैंने कॉल कर दिया कि चल रहे हो तो बताओ, तो वो रेडी हो गए हैं, उनका कॉल आ चुका है मुझे। तो फटाफट से पहले मैं नीचे जाता हूं, उसके बाद जाऊंगा उनके घर और उसके बाद सीधा यूनिवर्सिटी और वहां करेंगे चैलेंजेस और एक्टिविटीज। हाँ जी सर। हाँ भाई, तैयार? तैयार तो है लेकिन इतनी लेट कर। तू मेरे से कभी टाइम से आ सकता है तो कभी मेरे पास। वंज भाई कहाँ है? हो रहा, चले फिर। चल रहे हैं, पहले तो ये बता तू कभी टाइम से आ सकता है, इतनी देर से खड़े हुए हैं। पाँच एक मिनट तो लेट हुआ। पाँच मिनट? और पाँच मिनट कम से कम एक डेढ़ घंटे के बराबर है तेरी। और वंज भाई ठीक हो? चले यूनिवर्सिटी। चलो चले। गाइस, तो थोड़ी सी बुरी खबर है क्योंकि प्लान तो कुछ करा था, हो कुछ हो रहा है। ऐसा हुआ था कि यार लेट हो गए थे क्योंकि मैंने आज व्लॉग लेट स्टार्ट करा था, तो अंधेरे के मारे उन्होंने मना कर दी कि अब यूनिवर्सिटी जाने का टाइम ही नहीं बचा, तो वहां जाना फिर कैंसिल कर दिया। शाम के लगभग 7:30 बज रहे हैं, तो चलते हैं अब कहीं। मैं कई दिनों से यार सोच रहा हूँ कि सोयाबीन खाऊं। एक बार ब्लॉग में भी दिखाया था कि सोयाबीन लेने आया था बट मिली नहीं थी। अब मैं सोच रहा हूँ कि सोयाबीन अगर आज मिल जाए तो मजे आ जाएगा। अगर सोयाबीन मिल जाती तो सोयाबीन खाऊंगा, वरना कुछ और खाऊंगा उसके बाद। तो पहले मैं सोयाबीन वाले के पास। अरे यार आज भी नहीं है शायद, ये तो पता नहीं यार जिंदा है वो कहाँ है। तो मैं सोच तो रहा था यार सोयाबीन खाने की बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा क्योंकि यार पता नहीं वो कहाँ है। आज मैं इतना लेट भी नहीं हूँ, जल्दी आ गया था, अब पता नहीं यार कहाँ है वो। अरे कुत्ते क्यों रो रहे हैं इतने? पता नहीं अचानक क्या हुआ है, सारे कुत्ते रो रहे हैं मोहल्ले के, ये भी अचानक से सारे देसी कुत्ते जो मतलब ये स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं सभी अचानक रोने लग रहे हैं। पता नहीं बड़ी बुरी तरह से यार, जैसे कुछ देख लिया हो। मुझे लग रहा है इनका कोई साथी वाथी की डेथ हो गई होगी। एक मिनट अंकल, एक मिनट। पब्लिक में ब्लॉगिंग करना कितना मुश्किल काम है, सब देखते रहते हैं एक टू जेड। और सोयाबीन तो नहीं खा पा रहा बट प्रोटीन तो चाहिए ना थोड़ा सा, तो मैं जा रहा हूँ एक कॉर्नर, अंडे खाएंगे। अंडे वंडे खा के मैं आ गया और मुझे ज्वाइन कर लिया इन भाई ने एक बार फिर से। ये अपने कहीं किसी फ्रेंड के घर चले गए थे तो मैं वहां से इन्हें दोबारा ले आया क्योंकि इन्हें भी लगवाना है कैल्शियम का इंजेक्शन जो मैंने लगवाया था ना कल, हम दोनों को साथ लगवाना था। पर स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि मतलब ये घर पर थे और मैं बाहर चला गया था स्टोर के पास ही, तो मैंने लगे हाथ लगवा लिया इंजेक्शन। तो आज देखते हैं कितना दर्द हो। भैया तुम्हारे पीछे लगेगा कूल्हे पे, सच में कूल्हे पे लगेगा, बता कल तुमने हाथ पे लगवाया। और मैं डॉक्टर से भी कहूंगा कि कूल्हे पे लगाए इंजेक्शन। तुमने लगवा रखा है अपने? मैं अपने दोस्तों को बोला, मतलब डायरेक्ट लग जाता है ना, ये कोई दिक्कत थोड़ी होती है इससे। ये डर रहे हैं पता नहीं क्योंकि ग्लूकोज, इनकी पहली बार लग रहा है इंजेक्शन। इस पर आ जाओ रोहित भैया, हम लेट जाओ। हाथ वाथ क्या निकाल रहे हो, ये पीछे से पैंट नीचे करो, खुले पे लगेगा। अंकल नमस्ते भाई, देख के भाई सुई मोटी वाली नहीं है क्या? यार मोटी वाली लगाओ। चल भाई खींच कर दे, खींच कर बॉर्डर अंदर पूरी ऐसी रखने से टाइट, मुट्ठी खोल लो। कैसा महसूस हो रहा भैया? भाई खून खींच ले थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, बस मोटी सी ना लग रही कुछ भी ना लग रही। सो गाइस इंजेक्शन लग चुका है भैया के, और स्टोर ये जो शिव मेडिकल स्टोर है ये बंद भी हो गया था। बट मैंने अंकल को पहले फोन कर दिया था कि अंकल इंजेक्शन लगना है भाई के, ये लेट हो रहे थे जाने के लिए कि हम तो बढ़ा रहे हैं। मैंने कहा था कि इंजेक्शन लगना जरूरी है। सो ये बाहर तैयार मतलब सिरिंज में गन लोड करके तैयार थे, अब हमारे आते ही इंजेक्शन लग गया। कैसा महसूस हो रहा है? इंजेक्शन तो वही लगा गई, इस बात की गारंटी नहीं है भाई क्योंकि हमारे सामने उन्होंने लगाया ना है। तो भाई निकलते हैं अब घर के लिए, ये तो हाथ पकड़ कर बैठ गए, पहन लो जैकेट, ठंड लग जाएगी नहीं तो। हटा दो इसे, हटा दो, फेंक दो। सो गाइस जस्ट अभी अभी रोहित भाई घर पहुंचे हैं हम। ज्यादा लग गई क्या? शीत जरा की
अरे यहाँ से उतर रहा जिनमें पैसे नहीं मुड़ रहा है। एक मिनट चला ले खड़ा, मतलब चलता रहे। पहले तो हाथ धुलवा, गिरा कहाँ तू? अच्छा मतलब बाइक पे से उतर रहा था, सीढ़ी पे से नीचे उतर रहा था। अच्छा तो मतलब घुटने पे से मुड़ा यहाँ से? ना मुड़ा था यहाँ से, घुटने पे तो छिला थोड़ा। तो भाई के घर पर गया था और अचानक से देखा, हमने दूर से, हम दूर से देख रहे थे तो हमने अचानक देखा वो एकदम से, वो दोस्त ही अपना, वो इनके भाई के घर पर आया होगा मिलने, तो एकदम से अचानक वो गिरता सा उठा कि पता नहीं से क्या हो गया। फिर हमने देखा कि यार वो गिरा ही था सच में, तो उसे चोट भी लग गई थी बेचारे को थोड़ी सी। अब वैसे सही है, अब तो हंसी मजाक खूब कर रहा है। फिलहाल मैं घर पहुंच गया हूं, सो अब चलते हैं अंदर। और मोम एक जरूरी बात करनी है तुमसे मुझे। क्या बात कर रहे हैं? पापा जी से कह दो कि मुझे गाड़ी दे दे, समझा करो, मुझे गाड़ी लेके जाना पड़ेगा बाहर। कहाँ जा रहा है तू? टूर पे। अभी टूर पे है, चुपचाप है, काम करना। यार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गाड़ी मतलब मुझे ऐसे मिल जाए कि तुझे जहाँ जाना वहाँ चला जा। एक बार गाड़ी मेरे हाथ लग गई ना, फिर इतने लंबे लंबे टूर मारूंगा। तुम्हें कहाँ पसंद है मैं जाना? जहाँ तुम कहोगी ना वहाँ लेके जाऊंगा तुम्हें मैं। काली खोली, अच्छा काली खोली। मम्मी को लेके जाएंगे हम वैष्णो देवी, और खोली के लिए कह रही है, खोली राजस्थान में है ना, राजस्थान में है खोली, तो खोली भी लेकर जाएंगे। बट एक बार गाड़ी मेरे हाथ में आ जाए भाई। हाथ में तो आ जाएगी, तेरे पर चलाने भी तो नहीं आते। सुनो मेरी बात, जब मैं गाड़ी धीरे धीरे लेकर जाऊंगा, जब भी तो सीखूंगा। अब मैं कितने सीख लूं, मैंने कोर्स कर लिया 3,000 का। इनकी बात पर ध्यान मत दो। और तो मैं ताल में तो लग रहा हूँ कि गाड़ी मेरे हाथ लग जाए। सो रात काफी हो चुकी है, मम्मी पापा और बहन सो गए हैं, और अब मैं भी किचन में से दूध लेकर आता हूँ और उसके बाद उसमें शिलाजीत मिलाऊंगा, उसे पीऊंगा और फिर अपना काम करने बैठेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हम मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय।